भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में पहली सोमवारी को लेकर लाखों शिव भक्तों ने की शिवलिंग में पूजा अर्चना। बोलबम बाबा भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर परिसर, गंगा घाट सहित अजगैबीनाथ धाम हुए गुंजयमान। बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के लाखों शिव भक्तों एवं कांवड़ियों ने शिव की पूजा अर्चना करते हुए बोलबम के जयकारों के साथ देवघर के लिए हुए रवाना। इस दौरान बाहर से आने वाले कांवड़ियों ने बताया कि कोरोना महामारी में 2 साल अजगैबीनाथ धाम में पूजा अर्चना नहीं कर पाए थे। इस बार श्रावणी मेला लगा है, सावन की पहली सोमवारी होने पर अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की है। बहुत ही खुशी मिल रही है, बाबा भोलेनाथ हम लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो अजगैबीनाथ धाम से उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। अजगैबीनाथ धाम मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि उत्तर वाहिनी गंगा होने पर बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के शिव भक्त अजगैबीनाथ धाम में पहुंचकर मंदिर में शिव की पूजा करते हैं। सावन मास में शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसको लेकर अजगैबीनाथ धाम, गंगा घाट सहित मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ाई कर दी गई है। किसी भी भक्तों को पूजा अर्चना करने में कोई परेशानी न हो, नगर परिषद द्वारा गंगा घाटों में बैरिकेडिंग एवं साफ सफाई अभियान जोर शोर से किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने बताया कि थाना अध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा मंदिर प्रांगण, गर्भगृह सहित अन्य जगहों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा घाट में सीओ शंभू शरण राय द्वारा SDRF की टीम को लगाया गया है। कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर सारे विभागों के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस दौरान तमाम विभाग के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। श्रावण के मास को बहुत उत्तम मास माना जाता है और एक महीना तक भगवान शिव जी का ये प्रिय दिन है। इस प्रिय दिन में भी सोमवार को ज़्यादा ही उत्तम महत्व मानते हैं। लोग बाग सोचते हैं जैसे हम एक महीना नहीं जा सकते, 4 सोमवारें करने भगवान शिव जी का खुश करने के लिए, तो इस तरीके से है। और बाकी बाबा अजगैबीनाथ का महत्व तो बहुत है और यहाँ से जल उत्तर वाहिनी गंगा जल है और यहाँ से जल भर करके बाबा धाम लोग जाते हैं। भारत में 2 जगह उत्तर वाहिनी गंगा है, एक काशी विश्वनाथ और एक सुल्तानगंज भागलपुर बिहार। इसलिए काशी विश्वनाथ में भी भीड़ अच्छा लगा होगा। हर जगह जहाँ जहाँ मंदिर है शिव जी का, तो सावन के महीने में सोमवार का दिन तो अवश्य ही भीड़ रहता है, क्योंकि प्रिय दिन है और बहुत ही शुभ दिन होता है। इसको जो है अधिकतर हर बेटी बहू गांव गांव में जो शिवलिंग होगा वहां भी आज बाबा पर जल जरूर चढ़े, बगैर जल चढ़े। भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी और आज नाग पंचमी के अवसर पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास शहर के बाबा वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बूढ़ा नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, भूतनाथ मंदिर, पिपली धाम मंदिर, गोनू धाम के अलावा सभी शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। बाबा को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। खासकर सावन मास के सोमवारी पर सभी शिव भक्तों की मान्यता है कि बाबा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और सावन मास के सोमवारी और नाग पंचमी के अवसर पर बाबा को जल चढ़ाने का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। वही लोगों की मनोकामना पूरी होती है। 2 साल से कोरोना के कारण जहां सावन के अवसर पर मंदिरों में पट बंद थे और भक्तों को पूजा करने पर भी रोक थी, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा छूट दिए जाने के बाद मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी में सोमवार व्रत करने से अधिक महत्व हो जाता है। पहला सोमवारी है, सावन मास का पहला सोमवारी है, इसलिए आज का महत्व विशेष है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या खासियत है? मंदिर का ये स्वयंभू है, खुद अपने से उत्पन्न हुए हैं और सभी भक्तों का। कैसी तैयारियां की गई है? मंदिर काउंटर पर जमा कर दे, 3 बजे के बाद सामूहिक अपने जल का व्यवस्था है, रोटा का व्यवस्था है, जल का व्यवस्था है और जो भक्त नहीं मिल पाता है यहाँ से ले सकते हैं। देखिए श्रावण मास सबसे पहले तो लोगों को साल भर इंतजार रहता है कि बाबा का महीना आए, बहुत ही आनंद आता है इसमें। और
शिव जी के शिवलिंग पर जो जलार्पण होता है उसका भी विशेष महत्व होता है श्रावण महीना में, खासकर सोमवार है और आज पहली सोमवारी है श्रावण का, तो श्रद्धालुओं में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है 3 बजे भोर से ही, जिसकी मतलब, और उसके बाद मंदिर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, पुरुष द्वार अलग है महिला द्वार अलग है, एक बार पुरुष छोड़े जाते हैं 100 या 50 की संख्या में, फिर उनको बंद करके लेडीज छोड़ी जाती हैं, इस तरीके से कि लोगों को महिलाओं और पुरुषों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ऐसे महिलाएं आभूषण वगैरह पहन के आती हैं, तो थोड़ा विशेष उनमें अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कृपया माताएं बहनें नौ पहन करके आएँ और अपना सुरक्षा देखें। उसके अलावा हम लोग भी निगाह रखे हुए हैं कैमरे के माध्यम से भी, और मंदिर की तरफ से निःशुल्क गंगा जल दूध और फल की व्यवस्था की गई है जो कि वितरण किया जा रहा है आंगन में।